आप कहो कि हम ले लें, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा तो नहीं होगा ना, आप हमेशा यही चाहोगे कि जो चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी है तो मैं उसको कम से कम 120 125 रुपए में तो बेचूं, ताकि मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा हो। तो अब अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो अपना नुकसान करके आपको चीज दे रहा होता है? व्हाट डू यू थिंक? इसका मतलब क्या हुआ? एक था तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस जिस पे शॉपकीपर ने चीज ली, एक है सेलिंग प्राइस जिस पे आप वो चीज खरीद रहे हो, और एक है मार्क्ड प्राइस, और आए से लिस्ट प्राइस। या हम कहते हैं जब आप चीजें खरीदते हो तो आप उसमें देखते होंगे एमआरपी लिखा होता है। मैम अब जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो एमआरपी के ऊपर दिया जाता है कि कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है? एक चीज है, मान लो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है, जो एमआरपी लिखा है वो है 100 रुपए, और आपको शॉपकीपर कहते हैं जी देखो एमआरपी तो 100 रुपए की है, चीज तो 100 रुपए की है, लेकिन मैं आपको इस पे 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब वो आपको कितने रुपए में चीज देगा? इफ ही सेज आई एम गोना गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 15%, द एमआरपी इज 100 रुपीज, इस पे जो लिखा है प्राइस वो तो 100 रुपए लिखा है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं आपको 100 रुपए की चीज नहीं दूंगा, मैं तो आपको कम में दूंगा, मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो कितने रुपए में आपको चीज देगा? 85। वो जो आपको प्राइसिंग देगा वो कितनी देगा? वो देगा 85 रुपीज में। तो ये 85 उस चीज का क्या बना, कॉस्ट प्राइस बना कि सेलिंग प्राइस बना? सेलिंग प्राइस बना। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीपी एसपी एंड एमपी। और आपको क्या लगता है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो 85 से कम होगा कि 85 से ज्यादा होगा? 85 85 से ज्यादा होगा उसका कॉस्ट। अच्छा, मतलब वो आपको 85 रुपीज में दे रहा है लेकिन वो 85 से ज्यादा में लाया होगा। से ज्यादा। अगर वो उससे ज्यादा में लाया होगा फिर तो नुकसान हो जाएगा। मान लो वो लाया है 87 रुपीज का और देगा 85 रुपीज का, फिर तो वो नुकसान में चले जाएगा, ठीक है ना? तो वो नुकसान पे तो कभी भी नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एमआरपी है, कुछ तो चलो प्रोडक्ट ऐसे, जैसे आप गारमेंट्स खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो वो उनके ऊपर ना चिट सी लगा देते हैं कि देखो जी इसका इतना प्राइस है। तो ये कभी मत सोचना कि आप सेल में जा रहे हो तो वो अपना नुकसान करके आपको कुछ दे रहा है। वो एमआरपी ही पहले ऐसे सेट कर देता है कि उस एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट काटने के बाद भी जो उसका सेलिंग प्राइस बने वो उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होगा। पहले मान लो उसने 100 रुपए पे 20 रुपए कमाने थे, अब हो सकता है वो 10 रुपए कमाए, लेकिन कमाएगा तो है अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो सेल में चीज अगर आपको दे रहा है तो वो सेल में आपको अपनी कॉस्टिंग से भी नीचे के प्राइस पे दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें से अर्न कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, मैंने कहा उसका एमआरपी 100 रुपए है, डिस्काउंट 15% दे रहा है, तो आपने मुझे कहा कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 85 रुपीज आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं को कि आपका जो डिस्काउंट है वो कितने रुपीज का है, तो आप क्या कहेंगे? 15 रुपीज। तो ये जो आपने डिस्काउंट निकाला, मैंने कहा 15%, ये किसका 15% है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। जो आपने ये 15% डिस्काउंट लिखा निकाला, ये सीपी का 15% है, ये एसपी का 15% है, या ये एमपी मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस का 15% है?
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके किसको बेस मान के कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, बट डिस्काउंट का बेस क्या है? मार्क्ड प्राइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको 10% प्रॉफिट हुआ तो सीपी से 10% ज्यादा, अगर आपको 10% नुकसान हुआ तो सीपी के कंपैरिजन में 10% का नुकसान, लेकिन अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो एमपी के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट दे रहे हो। सबसे पहली चीज ये मेरी समझ में आनी चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो सीपी का परसेंटेज होगा, लेकिन एमपी जो होगा वो डिस्काउंट का परसेंटेज होगा, और जो एमपी लिखा रहता है चीजों पे वो शॉपकीपर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, वो अपनी कॉस्ट प्राइस से कितना भी ऊपर बढ़ा के लिख सकता है, फिर उसमें कह देगा जी मैंने इतने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, आप भी खुश और वो भी खुश, आपको लगा कि मेरे को तो 100 रुपए की चीज मिलनी थी लेकिन देखो मेरे को तो 85 में मिल गई, लेकिन शॉपकीपर भी खुश है कि लाया तो वो 80 रुपीज का ही था लेकिन बेच दिया उसने 85 में। ठीक है जी, तो जो मार्क्ड प्राइस है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो कस्टमर को खुश करने के लिए मार्क्ड प्राइस को पहले इतना बढ़ा के लिख देते हैं कि डिस्काउंट के बाद भी उनको उसमें से प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन कस्टमर भी खुश है कि मिलना इतने का था लेकिन क्योंकि सेल में लिया इसलिए तो मुझे इतने का मिल गया, तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हो गया इस चीज का। ठीक है जी, अब तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है आपका कि जो डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो है परसेंटेज ऑफ एमपी। अब अगर मेरे पास मार्क्ड प्राइस है इन रुपीस, फिर मेरे पास डिस्काउंट है इन रुपीस, और फिर मेरे पास है सेलिंग प्राइस इन रुपीस, इन तीनों में क्या रिलेशन है ये आपने मुझे बताना है। एमपी में, डिस्काउंट में और एसपी में, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द थ्री? अभी जैसे हमने कहा मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, 15 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आपने निकाला 85, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला आपने? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो कुछ बच गया दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो दिस इज मेरा रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट। एसपी और सीपी के रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एसपी इज सीपी माइनस लॉस। ये दो के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि एसपी कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दो तो एसपी आ रहा है, और मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो ये तीनों चीजें जो आपकी हैं ये भी किसी ना किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होंगी, एमपी एसपी एंड सीपी। अब हम सबसे पहले यहां पर आपको केस स्टडी टू हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगी। असाइनमेंट है अभी आपके पास, निकालो फिर केस स्टडी टू पढ़ो जरा। जस्ट गो थ्रू केस स्टडी टू, सब पढ़ लो और क्या समझ में आया है वो मुझे एक्सप्लेन करना है आपने। अ बिग मेगा स्टोर इज हैविंग अ फेस्टिवल सेल एंड ऑल द आइटम्स आर हैविंग अ 25% डिस्काउंट, जैसे दिवाली सेल अभी हमने बात करी, या आपकी रिपब्लिक डे सेल लग जाती है, इंडिपेंडेंस डे सेल लग जाती है, तो फेस्टिवल सेल 25% का डिस्काउंट। विवेक इज हैविंग अ रुपीज 50 गिफ्ट कार्ड एंड ही हैज चूजन अ गेम हुज मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 300।
नाउ विवेक इज कंफ्यूज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड वॉट रिमेनिंग मनी नीड टू बी पेड टू द क्लर्क। गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, ये भी आपने देखा होगा कि आप किसी से कुछ खरीद के लाते हो तो वो आपको कुछ पॉइंट दे देते हैं, फिर वो कहते हैं इन पॉइंट्स को रिडीम कर लो कि इतने पॉइंट हैं तुम इतने रुपए का, वैसे ही चीज अगर 100 रुपए की है आपके पास, सपोज 100 पॉइंट है तो आपको 10 रुपए पहले ही कम देने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो रिडक्शन हो रही हैं, एक जो पॉइंट थे उसके रिस्पेक्ट में कुछ रिडक्शन हो गया, और दूसरा जो उन्होंने डिस्काउंट दिया वो तो रिडक्शन हो ही रहा है। पहले इतनी बात बताओ, ये समझ में आई? अब सेल्स क्लर्क है सजेस्टेड द टू वेज टू कैलकुलेट द कंसेशन। जो वहां पर क्लर्क बैठा था जो पैसे ले रहा था, उसने कहा कि आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने क्या अमाउंट पे करना है। पहला उसने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट ₹50 फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड देन टेक द 25% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। एमआरपी क्या था मेरे पास? मेरे पास जो मार्क्ड प्राइस था गेम का वो था 300, मेरे पास जो गिफ्ट वाउचर पड़ा था वो कितने रुपीस का पड़ा था? ₹50 ₹50 का। और उसने क्या बोला हुआ है कि मैं डिस्काउंट कितना दूंगा? 25% का डिस्काउंट दूंगा। अगर तो ये ₹50 का गिफ्ट वाउचर मेरे पास ना होता, फिर तो बात बिल्कुल सीधी सीधी थी कि मैं 300 का एमपी का 25% कैलकुलेट कर लूं, उतना मुझे डिस्काउंट मिलना है, इसमें से उसको माइनस कर दूं तो इतने पैसे मैंने देने हैं। लेकिन अब एक चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ गया? कि मेरे पास ना ये गिफ्ट वाउचर भी पड़ा हुआ है। अब मेरे को क्लर्क कह रहा है कि एक मेथड तो क्या है कि सब्ट्रैक्ट ₹50 फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड देन टेक 25% डिस्काउंट। क्या हम इस तरीके से चल के देखें कि उसको क्या पे करना होगा? पहला मेथड जो उसने सजेस्ट किया, हम उससे चल के देख रहे हैं। बताओ जी क्या करूं? मेथड वन, व्हाट इट सेज? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम मार्क प्राइस इसका मतलब एंड देन फाइंड 25 रिमेनिंग दैट इज। अब मैं जो अपना डिस्काउंट कैलकुलेट कर रही हूं वो अब मैं 300 पे नहीं कैलकुलेट करूंगी, मैं किस पे कैलकुलेट करूंगी? 250 रुपीज पर। तो अब मैं क्या कह रही हूं, जो मेरा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना है? 25% परसेंट ऑफ टू टू फिफ्टी फिफ्टी निकालो जरा कितना बनेगा, जल्दी से निकाल दो। 25% ऑफ 250 परसेंट परसेंट तो कैसे आएगा बेटा? 2 से कैंसिल कर दूं, 2 6 12, 2 2 2 5। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ मेरे पास? ₹62.50। बताओ जी, इज इट ओके और नॉट? ठीक है 62.50 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। ₹50 का गिफ्ट वाउचर था। मेरे को मेथड वन में वहां बैठे हुए क्लर्क ने क्या कहा कि मैं सबसे पहले ₹300 में से ये ₹50 तो जो मेरे पास गिफ्ट वाउचर है उसको तो निकाल ही दूं, और बाकी बचे हुए अमाउंट पर मैं 25% का डिस्काउंट ले लूं। ये बात समझ में आती है? मैम आती है कि नहीं आती, पहले तो ये बताओ। देखो, ₹50 का गिफ्ट वाउचर, मेथड वन में मेरे को क्लर्क ने क्या कहा, टेक सब्ट्रैक्ट ₹50 फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस एंड देन टेक 20% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। मार्क्ड प्राइस में से ₹50 घटा दो, जो रिमेनिंग बचा वो क्या, 250, उसका 25% तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। जब मैंने इसका 25% निकाला, 25 4 100, इसको कैंसिल करा 2 से तो ये 125, फिर 2 से किया तो 62.5 रुपीज। इसका मतलब मुझे वो चीज कितने रुपए में मिलेगी? हाउ मच अमाउंट डू आई नीड टू पे नाउ, कैन यू टेल मी? जो अमाउंट मुझे पे करना है, अमाउंट टू बी पेड इज 250 माइनस 62.5। इज इट ओके? तो मतलब कितने पैसे देने हैं मैंने?
कितने देने हैं? टू फिफ्टी में से 62.50 मुझे बाहर निकालना है, कितने बचेंगे जल्दी जल्दी बोलो। 147.5 ये कैसे आएगा बेटा? 147 कैसे आ जाएगा? 37.5 250 में से आपने 62.5 माइनस करना है।37 187 आएगा ना? यस आप 137 बोल रहे हो कि मुझे गलत सुन रहा है? मुझे गलत सुन रहा होगा। तो मुझे कितने पैसे पे करने हैं? 187.5 रुपीज। ये तो मुझे मेथड वन से चल के पे करना है। अब दूसरा मेथड वो क्या कह रहा है? दूसरा मेथड वो कह रहा है टेक 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड देन सब्ट्रैक्ट ₹50 फ्रॉम इट। अब समझ में आया सेकंड मेथड में क्या कह रहा है वो? सेकंड मेथड में वो हमें कह रहा है कि पहले मार्क्ड प्राइस पे 25% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो और फिर जो आए उसमें से ₹50 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी। तो अब आप मुझे मेथड टू से कैलकुलेट करके बताओ कि अगर मैं मेथड टू अप्लाई करूं तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे? मेथड वन से चलती हूं तो मेरे को 187 रुपीज 50 पैसा देना पड़ रहा है। जो चीज ₹300 की थी उसके लिए मुझे 187.5 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मेथड टू से चलूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाउ मच अमाउंट डू आई नीड टू पे? बोलो जी, शाबाश, जल्दी से करो और बताओ। मेथड टू दोबारा पढ़ो, वो क्या कह रहा है? पहले 25% का डिस्काउंट ले लो। तो अब 25% किसका करूंगी? मार्क किसका? कॉस्ट प्राइस प्राइस का कि मार्क्ड प्राइस का? ट्वेंटी प्राइस 5% ऑफ 300 कितना आ जाएगा बच्चों? 75 रुपीज 75 ₹75 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब ये ₹75 का डिस्काउंट अगर मैं माइनस कर दूं 300 में से, मतलब मेरे को कितने रुपए की चीज मिल रही है? 285। अब उसने कहा कि इसमें से ₹50 काट दो। जो तुम्हारे पास गिफ्ट वाउचर पड़ा है उसके ₹50 भी निकाल दो। जब मैं इसमें से ₹50 और निकाल दूंगी तो अब मुझे कितने की चीज पड़ जाएगी? 175 अब मुझे जो प्राइस पे करना है वो करना है 170। तो जब मैं मेथड वन अडॉप्ट कर रही थी तो मुझे पे करने थे 187.5, और जब मैं मेथड टू अप्लाई कर रही हूं, आई एम टेकिंग मेथड टू, तो मैं कितने रुपीज पे कर रही हूं? 175। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है, डू यू थिंक बोथ द मेथड्स विल गिव द सेम रिजल्ट? इफ नॉट, प्रेडिक्ट विच मेथड विल बी बेनिफिशियल टू हिम। टू हिम किसकी बात कर रहे हैं हम? विवेक सेल्स क्लर्क की के विवेक की? विवेक द सेल्स क्लर्क है सजेस्टेड टू वेज। तो हम यहां पर जो बेनिफिट की बात करेंगे वो क्लर्क की बात करेंगे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द सेल्स क्लर्क है सजेस्टेड द टू वेज टू कैलकुलेट दिस कंसेशन। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू थिंक बोथ मदर्स विल गिव द सेम रिजल्ट? पहले तो ये बताओ। नो नो।
इफ नॉट प्रोडक्ट विच मेथड विल बी बेनिफिशियल टू हिम. चलो हम दोनों के रिस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं, विवेक के रिस्पेक्ट में और क्लर्क के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या एक ही मेथड बेनिफिशियल है कि अलग अलग मेथड्स बेनिफिशियल है? अलग-अलग. इफ आई टॉक अबाउट विवेक, विच मेथड इज बेनिफिशियल? सोच के आंसर करो, सोच के आंसर करो. पहले केस में विवेक को कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? 187 रुपीज 50 पैसा. और सेकंड केस में कितने करने पड़ रहे हैं? 175. विवेक को किसमें फायदा है, 187 रुपीज 50 पैसा देने में कि 175 रुपीज देने में? 175. अगर हम विवेक के पर्सपेक्टिव से देखें, विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सेकंड वाला मेथड उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो पहले इस पे डिस्काउंट ले और फिर 50 रुपए काट दे. लेकिन जो क्लर्क बैठा है, जो शॉपकीपर है, उसके लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल है? पहले वाला मेथड, क्योंकि उस केस में उसको 175 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको 187.5 रुपीज मिल रहे हैं. अब मुझे पूछ कहा गया कैलकुलेट द अमाउंट वेक हैज टू पे टू द क्लर्क इन ईच केस. वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इतने और इतने उसको मिलेंगे. वॉट मैथड डू द स्टोर एक्चुअली यूजेज एंड वाई? स्टोर कौन सा मेथड यूज करेगा और क्यों? बिल्कुल फर्स्ट मेथड यूज करेगा क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट है, प्रॉफिट हो रहा है. अब ये सब बातें तो हमने कर ली, कैलकुलेशन भी कर ली, ये वो सब कर लिया, और हमें ये भी मिल गया कि यहाँ पर इतने देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे इतने देने पड़ रहे हैं. दो मेथड भी हमने समझ लिए. पहले मेथड में हमने कहा कि इसमें से 50 रुपए निकाल के फिर कैलकुलेट करो डिस्काउंट. दूसरा हमने कहा कि पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो फिर उसमें से 50 रुपए निकाल दो. अब दोनों में ये फर्क क्यों आया है? Can you tell me why is this difference? मैम बिकॉज दोनों के मेथड अलग है. मेथड अलग, बिल्कुल obviously मेथड अलग है. अगर मैं आपसे conceptually पूछूं, obviously मेथड डिफरेंट है, वो तो है ही बात. लेकिन पहले केस में डिस्काउंट कितने रुपए पर कैलकुलेट हुआ था? 250 and 250. सेकेंड में डिस्काउंट कितने पर कैलकुलेट हो रहा है? 300. तो सेकेंड केस में 300 का 25% डिस्काउंट बना, लेकिन पहले केस में 250 का जो 25% था वो मेरा डिस्काउंट पड़ रहा था. इसका मतलब एवरीथिंग गोज बाय दिस. पहले केस में इसके ऊपर 50-25% का डिस्काउंट, और सेकेंड में इसमें से ये माइनस करके जो अमाउंट आया उसका 25%. तो जब मैं डिस्काउंट ले रही हूँ 25% का, जितने ज्यादा अमाउंट पर 25% होगा वो अमाउंट उतना ही बढ़ जाएगा. तो अगर मैं शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसके हिसाब से तो मेथड वन फॉलो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सेकेंड. तो आप देख रहे हो किस तरीके से एक ही चीज है कि उसने डिस्काउंट भी दे दिया, 50 रुपए का वाउचर भी दे दिया, और तुम्हारा बेवकूफ बना दिया. अभी भी वो अपना बेनिफिट कर गया, 187 मिल रहे हैं और 175, अभी भी वो अपना बेनिफिट कर गया. तो ये चीजें होती हैं, ये ट्रिक्स होती हैं जो लोग अप्लाई करके तुम्हारा तो फायदा चलो करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी एडिशनल बेनिफिट कर लेते हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं. ठीक है, तो बी केयरफुल जब आप जा रहे हो कहीं पर भी शॉपिंग करने या कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास गिफ्ट वाउचर है तो मैं पहले जितना एमआरपी है उस पर डिस्काउंट ले लूं, उसके बाद ये गिफ्ट वाउचर अपना माइनस करवाऊंगी. ये नहीं कि वो कह रहे जी पहले माइनस करके फिर मैं डिस्काउंट दे देता हूं, तो उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा. ये बात समझ में आई? हाँ. तो बी अवेयर, जागो कस्टमर जागो, ऐसे आता है ना, जागो ग्राहक जागो, सुनते होंगे एड तुम बड़ी टीवी पे या, है ना, तो वही बात है, जागो ग्राहक जागो. अगर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपके पास कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी हैं, तो पहले आप डिस्काउंट कैलकुलेट करवाओ, फिर उस अमाउंट में से जो आपका गिफ्ट वाला पार्ट है उसको माइनस करवाओ, उसमें आप लोगों का बेनिफिट होगा. ठीक है जी. तो इसीलिए मैंने पहले यही क्वेश्चन लिया था कि यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो हमें काम आ सकता है.
अब हम बात करेंगे असर्शन रीजन की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिल्कुल आसान आसान से असर्शन रीजन है, फटाफट से करो और मुझे बताते जाओ कि क्या है, उसके बाद हम केस स्टडी 1 करेंगे, फिर एमसीक्यूज की बात करेंगे। पहला है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹100, द शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन इट, 75 इज द सेल्स प्राइस ऑफ द बुक, इज इट ओके? एमपी कितना है? ₹100। डिस्काउंट कितना है? 25%। और अब मुझे कहा गया कि जो सेल्स प्राइस है दैट इज ₹75। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ट्रू। मार्क्ड प्राइस है मेरा ₹100, ₹100 पर मैंने 25% का डिस्काउंट लिया, तो ₹25 का डिस्काउंट, 100 में से 25 माइनस कर दिया तो मुझे एसपी मिल गया। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं कि एसपी जो होता है दैट इज एमपी माइनस डिस्काउंट। अब आगे मुझे क्या दिया, द प्राइस आफ्टर द ओरिजिनल प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ डिस्काउंट इज नोन एज द सेल्स प्राइस, इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू। इसका मतलब मेरे पास जो असर्शन है या फर्स्ट स्टेटमेंट, वट एवर आई से दैट इज ट्रू, द रीजन इज ट्रू। अब आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, पिछली क्लास में हमने कहा था कि ए ऑप्शन क्या होती है, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो, तो ए ऑप्शन आंसर बनता है। तो मेरा आंसर अब इस केस में, और बी ऑप्शन क्या थी कि दोनों चीजें ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, ए के बी? क्यों मैम? बिकॉज इन इन असर्शन इन दिस इज टेल अबाउट द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट एसपी, बट इन रीजन इट इज एक्सप्लेनिंग सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस। तो बेटा वही बात तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने पूछा कि सेल्स प्राइस 75 है, कैसे निकाला तुमने सेलिंग प्राइस, तुमने जो ओरिजिनल प्राइस जो मार्क्ड प्राइस था ₹100 पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया, उसको डिस्काउंट माइनस करा, तभी तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचे हो कि नहीं? ये जो हमने लिखा इसको उसने सिर्फ वर्ड्स में लिख दिया, तुमने इस फॉर्मूले को यूज किया, एमपी में से ₹25 का डिस्काउंट निकाला तो ₹75 पे पहुंचे हो सेलिंग प्राइस पे। इसने इस बात को रीजन में वर्ड्स में लिख दिया, बस एक्सप्लेनेशन तो हुई ना, ये थोड़ी ना हम कहेंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं हुएगी, ठीक है जी? तो आंसर क्या बनेगा मेरा इस केस में, समझ में आया ये? चलिए अगला पढ़ो फिर, सेवेंथ असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन, जस्ट रीड इट आउट, और अब सोच समझ के आंसर करना, क्या आंसर आना चाहिए। A toy is marked at ₹40 and it is available for ₹32. तो ये जो अवेलेबल का मतलब है ये क्या हुआ उसका? वो उसका एसपी हुआ कि सीपी हुआ? एसपी। जो आपका एमपी है वो तो है ₹40 और जो एसपी है वो है ₹32। तो वो कह रहा है कि 40% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, इज इट ओके? क्या मुझे 40% का डिस्काउंट मिला है? यस। 40% का डिस्काउंट मिला है, ओके। सोच के आंसर करो जल्दी, कोई नहीं है, हमें भागना कहीं नहीं हमने।
अगर मैं कहूं कि मुझे 40% का डिस्काउंट मिले, तो ये 40% किसका? 40% of 40, then my discount has to be 40% of 40, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट? 16. अगर 16 रुपए का डिस्काउंट हो तो मेरा एसपी कितना होना चाहिए? 40 माइनस 16 मतलब 24 रुपए. लेकिन मैं तो कितना एसपी दे रही हूँ? 32. तो गड़बड़ हो गई. इसका मतलब पहला जो आपका स्टेटमेंट है, जो असर्शन है, वो क्या हो गया? सही है. अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपको कि अगर ये एमपी है, ये एसपी है, तो अब मैं आपको बोलूं कि इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो निकालो. 40% तो नहीं मिल रहा, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन कितने परसेंट मिल रहा है अगर मुझे ये बताना हो तो कैसे निकालोगे? शाबाश, जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे. आई रीफ्रेम माई क्वेश्चन. आई से द एमपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 रुपीज, इट्स सेलिंग प्राइस इज 32. आई वॉन्ट टू नो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट आई एम गेटिंग. अब मुझे बताओ डिस्काउंट किसका मिल रहा, कितने रुपए का मिल रहा है? 8 रुपीज का डिस्काउंट है. लेकिन मुझे रुपीज में डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे तो परसेंटेज में चाहिए. मैं कैसे निकालूं कितने परसेंट डिस्काउंट? एट अपॉन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूं? एट अपॉन मार्क्ड प्राइस, 200 एट अपॉन द मार्क्ड प्राइस इनटू 100. सो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला मुझे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है तो रुपीस में कैसे निकालना है, रुपीस में दिया है तो परसेंटेज में कैसे जाना है. परसेंटेज डिस्काउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया? परसेंटेज डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एज डिस्काउंट इन रुपीस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 अपॉन एमपी इनटू 100. तो मेरे को जो मार्क्ड प्राइस मिल रहा है वो क्या है? वो है मेरे पास, मेरे को जो डिस्काउंट मिल रहा है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है. तो मेरे पास जो असर्शन है वो फॉल्स हो गई. अब रीजन पढ़ते हैं. द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस. जो उसके लेबल पे लिखा रहता है किसी भी चीज के, क्या वो मार्क्ड प्राइस होता है? That is called marked price. जो लिखा रहता है उसको ही हम आरपी या marked price हम बोल रहे हैं. तो मेरे पास पहली चीज जो assertion है वो true है, लेकिन reasons भी true ही है. Price on the label of, sorry, assertion false है. बिल्कुल ठीक है. और reason मेरा true है तो मेरे पास option कौन सी correct होगी? D. बिल्कुल ठीक है जी. आगे चलो जी. अगला करो असर्शन रीजन. The marked price of a shirt is 650. If its selling price is rupees 546, the marked price of a shirt is 650. इसके बाद कॉमा होना चाहिए. If its selling price is 546 and the discount offered is rupees 104. Assertion is true. Assertion is true. क्योंकि जो MP है
उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें तो मुझे एसपी मिल जाता है। एमपी है मेरा 650, 650 में से मैं डिस्काउंट 104 माइनस कर दूं तो 546 मिल गया। सो असर्शन हो गई ट्रू। रीजन क्या दिया? एसपी इज इक्वल टू सीबी प्लस प्रॉफिट, इज इट करेक्ट? एज सच रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। इन इटसेल्फ ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि एसपी जो होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन जो हम असर्शन में बात कर रहे थे वो तो हम एमपी, एसपी और डिस्काउंट की कर रहे थे। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर क्या बनाऊं बच्चों? बी। आंसर इन दिस केस इज बी। ठीक है जी। तो असर्शन रीजन को करने का तरीका धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें आंसर करना रहता है। चलिए जी, अब हम वापस से चल रहे हैं केस स्टडी वन पर। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थिंक केयरफुली एंड देन टेल मी व्हाट इज टू बी डन। डिस्काउंट ऑफर्ड इज 25 रुपीज, द शॉपकीपर अलाउज अ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साड़ी एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मार्क्ड प्राइस तो कुछ भी लिख लो, आपको खुश कर दिया कि आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसको अभी भी कितना प्रॉफिट हो रहा है? अभी भी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। और साथ साथ उसने एक चीज और दे दी, इफ ही गेन्स रुपीज 225 ओवर द सेल ऑफ वन साड़ी। तो ये 225 क्या है? हाँ जी, इज इट एस पी, इज इट एम पी, इज इट सी पी, इज इट प्रॉफिट, इज इट लॉस, व्हाट इज इट? प्रॉफिट। यहां पर अब एक बात बड़े ध्यान से समझ लो, यहां पे प्रॉफिट दो फॉर्म में दिया हुआ है, एक 20% और दूसरा 225। ठीक है जी, दोनों जगह हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक जगह बात कर रहे हैं परसेंटेज के टर्म्स में और एक हम एब्सोल्यूट की इतने रुपए का प्रॉफिट मुझे हुआ। ये बात क्लियर हो रही है? और तीसरी चीज, डिस्काउंट दे रखी है 25%। अब मैं वापस से अपने दिमाग में एक चीज रिकॉल कर लूं कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी का परसेंटेज होता है और जो डिस्काउंट होता है वो एमपी का परसेंटेज। अब जरा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को बोला गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। क्या करोगे अब? कॉस्ट प्राइस निकालने को कह दिया उसने मुझे, ना मुझे एसपी दिया है, ना मुझे एमपी दिया है, सीपी तो दिया ही नहीं है, वो निकालने को बोल रहा है। अब बताओ जरा मैं सीपी कैसे कैलकुलेट करूं? थोड़ा सा बेसिक पे चलना। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम सिर्फ अगर फॉर्मूला बेस्ड काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करेंगे तो हम अपने आप को निकाल ही लेंगे किसी भी सिचुएशन में से। तो अब मुझे यहां पर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो अब आप क्या करेंगे ये बताओ मुझे। थिंक अबाउट दीज टू थिंग्स, ये प्रॉफिट दोनों जगह, एक परसेंटेज की टर्म में, एक अमाउंट की टर्म में, क्या दोनों में कोई रिलेशन ढूंढ सकते हो? प्रॉफिट किसका परसेंटेज होता है बच्चों? सीपी का। अब लगाओ जरा कॉन्सेप्ट और देखो जरा क्या करोगे। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? ये प्रॉफिट 20% ऑफ क्या है? तो मैं यहां लिख रही हूं 225 इज
20% ऑफ एक्स, मैं अज्यूम कर रही हूं लेट सीपी इज रुपीज एक्स। अब ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस छोड़ करके परसेंटेज की कैलकुलेशन का बन गया। क्या यहां से एक्स विच इज माई सीपी कैलकुलेट हो सकता है? ध्यान से समझ लो बात को। 225 इज 20% ऑफ एक्स। क्या यहां से एक्स निकाला जा सकता है बच्चों? कितना मैम यस आया एक्स बोलो? फाउंड 225 इंटू 100 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 100 ऊपर चले जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दूं तो 5 से कैंसिल। अब 225 इंटू 5 कितना 100, 1125 1125 रुपीज, ठीक है जी। तो सीपी क्या आ गया है मेरे पास? सीपी आ गया है 1125 रुपीज। तो आंसर क्या बचा मेरा? डी। अब उसने पूछ लिया सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं? मेरे पास सीपी है, मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है, तो क्या एसपी निकल जाएगा? यस कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बच्चों? प्रॉफिट एसपी इज नथिंग बट सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना निकाला था मैंने? 350 हाँ, और 225 ये है मेरा प्रॉफिट। सो 1350 रुपीज ये आ गया मेरा एसपी। सीपी आया है 1125 रुपीज और एसपी आया है 1350 रुपीज। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों किसी को? नो। चलो फिर अगला निकालना है मार्क्ड प्राइस ऑफ दी साड़ी। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे हम प्रॉफिट और सीपीएसपी के साथ कर रहे थे, अभी डिस्काउंट की बात हमने छोड़ रखी है। अब जब हम मार्क्ड प्राइस की बात करेंगे तो आई टेक इनटू कंसिडरेशन द डिस्काउंट वाला पार्ट। अब सोचो कि मार्क्ड प्राइस कैसे निकलेगा। रिलेशन सोचो क्या होता है मार्क्ड प्राइस में, और मेरे पास सीपीएसपी पड़ा है, डिस्काउंट का परसेंटेज पड़ा है, किसी में कोई रिलेशन? बोलो बच्चों, मार्क्ड प्राइस में, सेलिंग प्राइस में, डिस्काउंट में, या मार्क्ड प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, डिस्काउंट में, कुछ कोई रिलेशन पता है मुझे? मैम बोलो बोलो, शाबाश बोलो। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट किसका परसेंट होता है? एमपी का। तो बस काम बन गया क्या मेरा? नहीं बन सकता है? आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और मुझे एमपी निकाल के बता दो। शाबाश, जल्दी से सोचो। रिलेशन हमारे पास पड़ा है 1800 इज द आंसर 1800 इज द आंसर। किसने निकाला? रेज योर हैंड हु हैज कैलकुलेटेड 1800 एज द आंसर। शाबाश बच्चे, आ जाओ
यहां से माइक के पास आओ और मुझे बताओ कैसे निकाला. शाबाश, कम नियर द माइक एंड टेल मी. Ma'am, first we have calculated the discount in rupees, then we have calculated. बेटा डिस्काउंट रुपीस में तो आप तभी निकाल सकते हो जब एमपी पता हो. एमपी तो पता नहीं था मुझे. तो 25% किसका, कैसे शुरुआत कैसे करी आपने क्वेश्चन की बेटा? Ma'am, I have used the formula to find the MP. ये फॉर्मूला आपने यहां पर एसपी को लिया 1350, एमपी मुझे पता नहीं है. अब डिस्काउंट 25% है, तो 25% किसका? 25% मार्क्ड प्राइस का. तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर फिर से लेट कर लेती हूं, लेट द मार्क्ड प्राइजेस सेवाई. तो अब यहां पर जब मेरा मार्क्ड प्राइस वाई है, तो मार्क्ड प्राइस तो मैंने क्या ले लिया, वाई, और डिस्काउंट 25% ऑफ वाई. ये बात समझ में आई? 25% ऑफ वाई इज माई डिस्काउंट. तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके वाई निकल जाएगा? बैठो बैठा, शाबाश, गो टू योर सीट. आई कंसिडर्ड माई एमपी टू बी वाई. अब जो डिस्काउंट होता है वो मुझे पता है. वो डिस्काउंट जो होता है वो है 25% ऑफ द मार्क्ड प्राइस. दैट इज 25/100 वाई, और आई कैन से वाई बाय 4. ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई बाय 4 इज y, सॉरी y माइनस वाई बाय 4. तो कितना आ गया, y माइनस वाई बाय 4 को कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगा, 3y बाय 4. एलसीएम लिया 4y माइनस वाई, दैट इज 3y बाय 4. तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 1350 इज इक्वल टू 3y/4. यहां से मुझे y निकाल देना है. अब और ये आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा है 1800 रुपीस. कैसे कैलकुलेट होगा यहां से y? 1350 इंटू 4 डिवाइड बाय 3. 3 और 1350 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या आएगा, करो. 450 इंटू 4 18. सो मेरे पास जो एमपी है वो कितना आ गया है, 1800 रुपीस. तो मेरे पास देखो जरा, कॉस्ट प्राइस था 1125 रुपए, सेलिंग प्राइस है 1350 और मार्क प्राइस 1800. आप देख सकते हो कि शॉपकीपर ने क्या किया, वो चीज लेके तो आया 1125 रुपए की, लेकिन उसके ऊपर जो लेबल चिपका दिया वो कितने का चिपका दिया, 1800 रुपए का. और बड़ी खुशी से तुम्हें कह दिया कि मैं तो 25% डिस्काउंट दे रहा हूं. तुम भी खुश और वो भी खुश, ठीक है? तो ऐसे होती है सेल. शॉपकीपर अपनी जेब से कुछ डाल के नहीं दे रहा है, वो तुम्हारा चलो कुछ फायदा कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड अपना भी फायदा ही कर रहा है वो. अब उसने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी. मार्क्ड प्राइस में और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है? एटीन हंड्रेड में से 1350 माइनस करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस था 1350 और मार्क्ड प्राइस है 1800. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, 450. अगला क्वेश्चन उसने सिंपल सा पूछ लिया है, इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 50%, देन व्हाट वुड बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साड़ी. हो जाएगा ये तो, 50% डिस्काउंट है तो मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है जी. अब हम चल रहे हैं एमसीक्यू पे. अब आप मुझे एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर, चलो पहले से ही कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन. द
A jacket was sold rupees 120 after allowing a discount of 20%. You have to find the marked price of the jacket. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. अ जैकेट वॉज सोल्ड फॉर 1120. तो ये 1120 क्या है उस जैकेट का सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपको? 20%. डालना क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ये काम हम करके हटे हैं. इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास, जब हमने थर्ड क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस निकाला था, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी था और डिस्काउंट का परसेंटेज भी था. सेम मेथड लगा के जल्दी से जरा एमपी कैलकुलेट कर दो. एमपी इज इक्वल्स टू रुपीज 1400. एमपी कम्स आउट टू बी 1400 रुपीज. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन? सबका आ गया? चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 76. फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है ये अब मैंने बताना है. इट इज नॉट रुपीज 5, इट इज 5% डिस्काउंट. इस ये फॉर्मूला भी हम यूज कर चुके हैं. 4 रुपए का डिस्काउंट नीचे आता है एमपी इनटू 100. दो से कैंसिल कर दें तो मेरे पास 5% का डिस्काउंट आ गया. अगला करो जी. After allowing a discount of 15% on the marked price of an article, it is sold for 680. The marked price, ये first question के जैसा ही हो गया. Ma'am, the marked price is equals to rupees 800. Marked price comes out to be rupees 800. अब जरा fourth question ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना. Read the question carefully and then do it. जी पेज 6 पे चलो वापस. क्वेश्चन कैसे करना है ये बताना है. क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%. व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 280. कैसे शुरुआत कैसे करोगे? मार्क्ड प्राइस 280 रुपए, 10% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी 26% का प्रॉफिट ले रहा है. सबसे पहले क्या निकालोगे? जब भी प्रॉफिट लॉस की बात आती है तो मुझे सीपीएसपी पे जाना पड़ता है. तो सबसे पहले मैं, अब मार्क्ड प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट दिया हो तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? एसपी के सीपी? एसपी पहले एसपी निकाल लेते हैं. बताओ जी एसपी कितना बनेगा? एमपी दिया है मुझे, एमपी इज रुपीज
280, जो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं वो 10%, तो डिस्काउंट इन रुपीस कितना हो गया, 28 रुपीज का। 10% ऑफ 280 तो ₹28, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 280 माइनस 28 कितने रुपीज हो गया, 252। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, सीपी पूछा गया है, एक्चुअल कॉस्ट पूछी ना, तो सीपी पूछा है मेरे से। ये मेरा एसपी है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 26%, और निकालना क्या है मुझे, सीपी। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया मेरा, निकाल दो जरा। हाँ जी, व्हाट इज द सीपी, कैसे निकालते हो, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, मैम? तो 252 सीपी क्या आएगा मेरा, 252 इंटू 100 अपॉन 126। 126 टू जा 252, तो कितना आ गया सीपी मेरा, 200। सो दैट बिकम्स माय आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, अगली क्लास में पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर अगली बात पर चलेंगे। सो दैट इज योर होमवर्क, जस्ट ट्राई आउट ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय बाय। बाय।